आग मत मैये, आ गया वर्ड। पति सो रहा हो माताओ, सो रहा हो पति, तो नाग पत्नियों ने मना किया है कि जगाते नहीं है, बहुत बड़ा अपराध होता है, सोते हुए पति को जगाना नहीं चाहिए, हम नहीं जगाएंगे। अब मैं यहां पूछना चाहूंगा, ये तो भागवत की बात है, जगाना चाहिए पति को कि नहीं? माताओ पति को जगाओ, काय के लिए? धर्म के लिए जगाओ। देखो अगर हम हमारी पत्नी कहीं साथ में जाए, परिचित जी सही बताना, आप दोनों साथ में गए और आपसे किसी ने कहा भैया ये आपकी कौन है, तो आप लोग क्या कहोगे? मेरी धर्म पत्नी है, यही तो कहते हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है। क्यों भैया? पत्नी के नाम के पीछे कौन सा वर्ड लगा हुआ है? जोर से बोलो, धर्म। पत्नी को धर्म पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं समझना। हर पत्नी को अपने पति को धर्म के लिए जगाना चाहिए। अगर हमारा पति धर्म में एक रुपया खर्च कर रहा हो तो सच्ची धर्म पत्नी होगी, वो धर्म में दो खर्च करने का कहेगी। पीछे आवाज आ रही है भैया? अच्छी धर्म पत्नी होगी तो पति एक खर्च कर रहा होगा, और धर्म पत्नी होगी तो दो खर्च करवाएगी, तो वो धर्म पत्नी है। और पति पांच रुपया कर रहा हो और पत्नी का मर रहा हुआ कहा कर रहा हूं, तब वो धर्म पत्नी नहीं है, वो कौन सी है? इतनी माताएं हैं तो माताओं जगाओ, काय के लिए? धर्म करने के लिए जगाओ। और तुम नहीं जगाओगी अपने पति से धर्म करने के लिए, नहीं कहोगी तो फिर भगवान जगा लेगा, क्योंकि रोग बन के भगवान कहते हैं मैं ही लेता हूं, डॉक्टर बन के मैं ही लेता हूं, भूत बन के मैं ही लेता हूं, भगवान कहते हैं जो मुझे डायरेक्ट दे देता है उसके घर कभी रोग और भूत का वास नहीं होता। तो आज बंधुओं माताएं इतनी बैठी हैं, देखिए ये कितना सुंदर ग्राउंड है, इस ग्राउंड जैसा पूरे फिरोजाबाद में ग्राउंड नहीं है। अरे माताएं जगाओ अपने पति को धर्म के लिए जगाओ, अगर आप धर्म के लिए जगाती रहेगी तो हमारा सनातन ऐसे ही धर्म के रास्ता पे चलता रहेगा।